Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 9 and our topic is research work plus reading. So आज हम लोगों ने research work करना है और साथ हम लोगों ने reading करनी है. Research work हमने इस चीज़ का करना है कि आपको एक logo provide कर दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों ने बताना है सारा. उस लोगों के बारे में हम लोग पहले रिसर्च करेंगे, फिर उसको राइट करेंगे और देन हम लोग जो है रीडिंग करेंगे. यूनिट नंबर 4, द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स, इसकी हम लोगों ने रीडिंग करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 30. रिसर्च वर्क, लुक एट दिस लोगो. सबसे पहले आप लोगों ने इस लोगो को ध्यान से देखना है, ठीक है. ये किस चीज़ का है? पांडा का है. व्हाट कम्स इन योर माइंड, आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है कि ये जो है लोगो वो एक पांडा का लोगो है और ये एक वाइल्ड एनिमल है. मेरे जहन में सबसे पहली बात तो यही आ रही है. अब आप लोगों के जहन में क्या आता है वो आप लोगों ने खुद भी सोचना है, ठीक है. सर्फ, व्हाट WWF स्टैंड्स फॉर, उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि WWF जो है वो किस चीज़ का एब्रिविएशन है. What type of organization it is and what are their purposes? और फिर उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ये किस किस्म की organization है और इसका क्या क्या मकसद है, ठीक है. So start करते हैं. World Wildlife Fund. So ये था हमारा, मतलब एक चीज़ का तो हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये WWF किस चीज़ की abbreviation है. World Wildlife Fund, ये abbreviation है इसका, ठीक है. It was established in 1961, ठीक है. So ये establish कब हुआ था? 1961 में. The picture of panda is used as its logo. So picture जो है panda की वो logo के लिए use की गई है. अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बताना था कि ये organization जो है वो क्या करती है. This organization works in field of wilderness. यानी कि ये जो है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जो है रिसर्च करती है, उनको ह्यूमन से दूर रखने के लिए. इसका पर्पस जो होता है वो ये होता है कि इन एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रॉपर, मतलब ह्यूमंस वाली एक्टिविटीज़ जो है उनको कंट्रोल कर सके. यानी कि जो ह्यूमंस के इम्पैक्ट हैं, बुरे इम्पैक्ट, वो इनकी ज़िंदगियों पर ना पड़ें, यानी वाइल्ड एनिमल्स की ज़िंदगियों पर ना पड़ें, ठीक है. सो ये था रिसर्च वर्क. अब आप लोगों ने जो है वो घर में ख़ुद भी इस पर मज़ीद रिसर्च करनी है ताकि आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो और आप लोगों ने भी लास्ट में इसके बारे में कुछ ज़रूर राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो अब रीडिंग करते हैं. ओपन करिए अपनी साइंस की बुक. यूनिट नंबर 4, द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स. आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स में. सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार जो हैं वो ग्रो करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, जितने भी जानदार हैं मतलब वो ज़रूर अपने जैसे यंग वंस यानी कि अपने बेबीज़ के प्रोड्यूस करते हैं. सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ जो हैं छोटे जानवर वो अपने वालदैन जैसे दिखाई देते हैं. अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ नहीं देते. अच्छा, इसके बाद क्या कह रही है? यू विल लर्न दैट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल कंप्राइजेज ऑफ द स्टेजेस इन इट्स लाइफ. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, ठीक है. सो हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि जितने भी जानवर हैं उनकी लाइफ साइकिल्स जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. लाइफ साइकिल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल्स होती क्या. ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल, तमाम जो जानवर हैं उनकी लाइफ साइकिल होती है. अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. साइकिल क्या है? साइकिल हमारे पास वो चीज़ है जो कि बार बार होती है, यानी अगेन एंड अगेन वो रिपीट होती रहती है. विद टाइम, वक्त के साथ, ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई, जितने भी जानदार हैं वो बूढ़े होते जाते हैं और मर जाते हैं. बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्व्स बाई हैविंग यंग वंस, लेकिन वो अपनी कॉपीज बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं वो आगे से उनकी नस्लें जो है वो बढ़ाते जाते हैं. द लाइफ साइकिल्स ऑफ एन एनिमल इज ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ. अब वो कह रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है एनिमल की, वो उसकी ज़िंदगी में होने वाली तमाम स्टेजेस जो हैं वो बयान करती है. द लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ बाई हैविंग बेबीज. अब वो ये भी बता रहे हैं कि लाइफ साइकिल जो है किसी भी एनिमल की, वो ये शो करवाती है कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने बेबीज जो हैं उनकी कॉपीज बनाते हैं. फ्लॉग्स लिव नियर पॉन्ड्स, जो कछुए हैं वो तालाब के करीब रहते हैं. दे लिव ऑन लैंड बट ऑफन गो इन टू द वाटर, वो जो है ज़मीन पर रहते हैं लेकिन वो पानी में भी चले जाते हैं. फ्रॉग हैव बेबीज बाई लेइंग एग्स इन द वाटर. फ्रॉग्स जो हैं वो किस तरह से, फ्रॉग्स के जो बच्चे होते हैं, जो मैरने के बच्चे होते हैं, यानी कि वो किस तरह से अंडे देते हैं, अपने पानी में जा कर अंडे देते हैं. दीज पिक्चर्स शो यू है हाउ अ स्मॉल एग ग्रो इन टू अ फ्रॉग. ये पिक्चर अब जो हमें दे दी गई, ये हमें बताएगी कि किस तरह से जो है वो छोटा अंडे से एक बड़ा सा मेंढक जो है वो बन जाता है. दीज आर फ्रॉग्स एग्स,
द टैडपोल ग्रोज इनसाइड द एग. ये जो है फ्रॉग्स के जो है छोटे छोटे से एग्स हैं, उसके बाद जो है टैडपोल जो है वो इसमें ग्रो करता है. अब ये टैडपोल है, द टैडपोल कम्स आउट ऑफ द एग, इट बिगेन्स टू स्विम. टैडपोल जो है वो एग में से जब बाहर आ जाता है तो फिर वो स्विम यानी तैरना शुरू कर देता है. द बैक लेग्स ग्रो, फिर उसके पीछे वाली जो टांगें हैं वो ग्रो करती हैं. द टैडपोल्स जॉ ग्रोज द फ्रंट लेग्स ग्रोज, उसके बाद जो है उसके जॉ जो है टैडपोल के वो ग्रो करते हैं और फिर उसकी जो है वो आगे वाली जो टांगें हैं वो ग्रो करती हैं. द टेल डिसअपीयर्स, द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग. अब जो उसके पीछे वाली जो टैडपोल की दुम थी यहाँ पर, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई यानी डिसअपीयर हो गई है और वो जो है वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया. द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर, और जो फिर ये मेंढक है वो पानी से बाहर आ जाता है. ये थी एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल. यानी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे छोटे से एग्स होते हैं, वो जो है फ्रॉग वो एग जो है वो पानी में देते हैं, फिर उन एग से जो है वो टैडपोल बनते हैं. टैडपोल जो है वो पानी में स्विम करना शुरू कर देता है, फिर उसकी पीछे वाली टांगें जो हैं वो बनती हैं, फिर आगे वाली टांगें और उसके जो जॉज हैं वो बनते हैं, और देन जो है उसकी ये जो है टैडपोल की जो टेल है ये पीछे से रिमूव हो जाती है और वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो पानी से बाहर चला जाता है. Discuss and answer. Have you seen a frog? क्या आपने कभी कोई मेंढक देखा है? Talk about it in your class. और उसके बारे में हमने, अब आप लोगों को पता है हम लोग क्लास में तो है नहीं है, सो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है. Most fish have babies by laying eggs in water. अब वो क्या कह रहे हैं, जो फिशेस हैं यानी जो फिश है उनके जो बेबीज़ हैं वो भी पानी में, यानी वो भी पानी में ही अंडे देती हैं. द बेबीज विच कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई. जो बेबी जो है यानी जो बच्चा है जो फिश अंडे से बाहर आ जाता है फिश के, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्राई बोलते हैं. हेयर इज़ देयर लाइफ साइकिल, यहाँ पर फिश की लाइफ साइकिल है. ये एग्स हैं यानी कि ये एग्स जो हैं वो फिश ने पानी में दिए हैं, उसके बाद इन एग्स में से क्या निकला है, फ्राई यानी छोटी सी जो मछली है फ्राई वो इन एग्स में से आई है. उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, एडल्ट फिश में, यानी अब ये बड़ी मछली में कन्वर्ट होगी. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकल्स लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाई एज शोन हेयर. अब कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी मोस्टली जो लाइफ साइकिल्स हैं वो बटरफ्लाई जैसे ही होती हैं. सो ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, बटरफ्लाई. उसके बाद ये बटरफ्लाई के एग्स हैं, ठीक है. ये लीफ के ऊपर जो है हमारे पास ये क्या है, बटरफ्लाई के एग्स. ये हैं बटरफ्लाई के एग्स, और उसके बाद इन एग्स में से क्या निकलता है, कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर. और उसके बाद क्या है, प्यूपा क्रिसलिस, उसके बाद ये होता है और देन फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. यानी सबसे पहले हमारे पास होती है बटरफ्लाई, उसके बाद बटरफ्लाई के एग्स, देन वो होता है कैटरपिलर, और कैटरपिलर से वो प्यूपा क्रिसलिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद क्या है, बर्ड्स यानी परिंदों की लाइफ साइकिल के बारे में अब हम पढ़ेंगे. आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला बनाने के बाद अ बर्ड लेज एग्स इन देम. फिर जो है परिंदा उसमें अंडे देता है. मोस्ट बर्ड्स ले 2 or 3 एग्स. मोस्टली जो परिंदे हैं वो 2 से 3 अंडे जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है. जैसे कि अब ये हैन है, इसने एग ले किया यानी इसने अंडा दिया, फिर अंडा जो है वो टूटा, हैचिंग यानी कि अंडा जो है वो टूट गया, उसके बाद उसमें से एक चिक निकली, चिक जो है वो अगेन जो है वो हैन में कन्वर्ट हो जाएगी. डू यू नो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस. परिंदे जो हैं वो अपना घोंसला हर जगह पर बना लेते हैं. यूजुअली द नेस्ट्स आर हाई अप इन ट्रीज. अमूमी तौर पर जो है घोंसले जो हैं वो दरख्तों पर बनाए जाते हैं. बट दे कैन बी बिल्ड इन वॉल्स, लेकिन ये दीवारों में भी बनाए जाते हैं, ऑन क्लिफ्स एंड इवन ऑन द ग्राउंड, और यहाँ जो है इनको ग्राउंड में भी बना लिया जाता है. Eggs have to be kept warm, so one of the birds sits on them. अंडे जो हैं चूँकि वो गर्म रहने चाहिए, इसलिए कोई ना कोई परिंदा जो है उन अंडों पर बैठा रहता है. Soon the baby birds hatch. उसके बाद जो है जल्द ही उसमें से एक जो परिंदा है वो अंडा तोड़ के यानी बाहर आ जाता है. They are usually blind and bald. वो जो है अमूमी तौर पर अंधे और गंजे होते हैं. They have to be fed by the adult birds. इसलिए उन्हें जो है अपने जो बड़े होते हैं ना यानी लाइक जो ये चिक है यानी ये इसको फीड करवाएगी, यानी कि वो इसको खुराक प्रोवाइड करेगी. When the baby birds have grown feathers and are strong enough to fly, they leave the nest. जब जो बेबी बर्ड्स हैं यानी जो छोटे परिंदे हैं जब उनके पर निकल आते हैं तो फिर यानी इस काबिल हो जाते हैं कि वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं. सो ये थी आज की आपकी रीडिंग. यहीं पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़.